हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 32 साइज का बैक कटिंग करके दिखाया था, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रंट और साइड पीस कटिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे और इसको इस तरफ अपनी तरफ खींच लेंगे। ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग को पूरा आप स्ट्रेट कर लीजिए, ताकि हमारा फ्रंट और साइड पीस कटिंग करने में कम ना पड़े। तो ये पूरा मार्का आप लगा लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, सीना से। चेस्ट हमारा 32 इंच है, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो 8 4 जा 32, 8 चौके 32। तो इस तरह से आपको 8 इंच पे ये मार्का लगा लेना है। इसका तख्ती जो हम माइनस करेंगे, चेस्ट के हिसाब से हम करते हैं। तो जैसा कि इसका चेस्ट 32 इंच है, तो 32 इंच में हम 3/4 में 1 पॉइंट कम करेंगे, आधा इंच एक सूत, पौना इंच में 1 पॉइंट कम, 3/4 में 1 पॉइंट कम, आधा इंच एक सूत। और ये जो हमने पीछे वाला मार्का लगाया है, यहाँ से हम 1.25 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच 3/4। दोस्तों, यहाँ भी हम 8 चौके 32, चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ भी लगा लेंगे। जैसा कि ये देखिए, हमारा 8 इंच है, तो यहाँ भी 8 इंच और यहाँ भी 8 इंच। ये जो हमारा पीछे वाला मार्का है, जो हमने माइनस किया है, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये 7.5 में 1 पॉइंट कम है, तो ये जितना है उतना ही हम यहाँ भी लगा लेंगे इस तरह से। इस मार्का को आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह आप ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेंगे, और नीचे भी आप इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये मार्का स्ट्रेट करने के बाद, यहाँ हम वेल्स पॉकेट वॉलेट का मार्का लगाएंगे। तो यहाँ साइड से 1.25 इंच आपको हटा के लगाना है, 1 इंच 3/4, और फिर यहाँ साइज़ के हिसाब से आपको वेल्स पॉकेट का मार्का लगाना है। जैसा कि हमारा जो साइज़ है, इसका जो चेस्ट है वो 32 है, 32 इंच, तो 32 इंच में हम 3.5 इंच का 3.5 का वेल्स पॉकेट देंगे, और इसका एक 20 सेंटर लगा लेना है, हाफ करके एक लगा लेना है। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर या फिर आधा इंच ऊपर एक मार्का लगा लेना है, और यहाँ से जितना आप वेल्स पॉकेट जितना ब्रॉड देंगे, जितना चौड़ा देंगे, लगा लेना है। अब इसका चेस्ट जो है 32 इंच है, तो 32 इंच में हम 3/4 पौना इंच का वेल्स पॉकेट का मार्का लगा रहे हैं। आप ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम भी लगा सकते हैं, और 1 इंच का भी लगा सकते हैं। इस मार्का को भी आपको सही से लगा लेना है इस तरह से। देखिए, ये मार्का क्रॉस है हमारा, तो इसको क्रॉस कर लेना है, और यहाँ भी इसको इस तरह लगा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वेल्स पॉकेट का मार्कर हो गया। अब आपको नीचे आना है, यहाँ यहाँ आपको 3/4 पौना इंच आपको ये मार्किंग लगाना है, 3/4 इंच नीचे। ये हमारा लेंथ का मार्का है, ये जो हमारा मार्किंग है, ये हमारा मार्किंग कट हो जाएगा। तो वो कैसे, देख लीजिए। ये जो हमने 3/4 लगाया है, यहाँ से आपको लेंथ का तीसरा हिस्सा लगाना है। जितना हमारा लेंथ है, उसको 3 से डिवाइड करना है। जैसा कि हमारा लेंथ है 28.5, 28.5 का जो हम तीसरा हिस्सा करेंगे, वो 9.5 इंच आएगा, 9.5। तो इस तरह से आपको तीसरा हिस्सा, थर्ड हिस्सा लेंथ का लगा लेना है। यहाँ से ऊपर हम, इसमें हमारा 2 बटन है, 2 काजा बटन, तो यहाँ से हम 4.25 इंच पर लगाएंगे। अब इसका लेंथ कम है, 28.5 है, तो हम 4.25 इंच दे रहे हैं। आप यहाँ से 4, 4.25, 4.5 लेंथ के हिसाब से लगा सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड काजा है, यहाँ से आपको आधा इंच ऊपर एक मार्का लगाना है। ये हमारा ऊपर लेपल आएगा, उसके लिए आधा इंच ऊपर एक मार्का लगाना है। अब दोस्तों, ये जो हमारा वेल्स पॉकेट का 20 सेंटर है, इसको आपको मेज़रमेंट कर लेना है कि स्ट्रेट वाले मार्किंग से। यहाँ हमारा 4 इंच आधा पॉइंट है, तो सेम जितना है उतना ही हम यहाँ भी इस तरह लगा लेंगे, और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्का लगा लेना है पॉकेट के लिए। ये मार्का लगाने के बाद इस तरह आप एक स्ट्रेट मार्का कर लेंगे। अगर आप कोई कोट ऐसा कटिंग कर रहे हैं जिसमें पॉकेट में डिज़ाइन है, उसका फ़ोटो स्टाइल है और क्रॉस है, तो आप फ़ोटो के स्टाइल से आप यहाँ क्रॉस कर लेंगे। नॉर्मल यहाँ हम स्ट्रेट ही मार्कर लगाते हैं, तो
तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्कर इस तरह लगा लीजिए। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो 32 इंच में यहाँ हम आधा इंच पेट डॉट निकालेंगे। चेस्ट 32 ऊपर है 38 40 42 तब आपको 3/4 पौना इंच निकालना है। यहाँ हम 32 है, छोटा साइज है, तो इसमें हम आधा इंच पेट डॉट निकाल रहे हैं। इस मार्कर को भी आपको देखिए इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ ये जो हमारा मार्किंग है इसको भी आपको, ये जो हमारा डॉट का मार्किंग है, लगा लेना है। ऊपर से ये जो हमारा स्ट्रेट वाला मार्कर है नीचे वाला, यहाँ से आपको 2.5 से 2.75 इंच पे टेकिंग का मार्कर लगाना है। तो हम 2.75 इंच लगा रहे हैं, 2 इंच 3/4। यहाँ दोस्तों हम पॉकेट का मार्कर लगाएंगे। इसका चेस्ट 32 है, तो 32 में 2.25 इंच का फ्लाप का मार्कर हम लगा रहे हैं। और साइज के हिसाब से 2.25 इंच ठीक है, तो इस तरह आपको स्ट्रेट कर लेना है। और ये वाला मार्कर भी आपको इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। फ्लाप राउंड होगा हमारा, तो इसको आपको इस तरह राउंड कर देना है। अब दोस्तों ये राउंड करने के बाद यहाँ जो हमारा लिए लास्ट वाला जो मार्कर है, इस मार्कर को आपको इसमें शेप कर देना है इस तरह से। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कटिंग से रिलेटिव इसी तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो इससे होगा यह कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा, जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ देखिए जो हमारा ऊपर वाला मार्कर है, यहाँ से आधा इंच पर आपको एक मार्कर लगाना है। और यहाँ से 4.5 साढ़े 4 इंच पर आप एक मार्कर लगाना है। इस मार्किंग को शेप स्केल से आपको इसमें इस तरह शेप कर देना है। और हमारा इसी मार्किंग पे कटिंग होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ टेकिंग है, टेकिंग में हमारा दबाव जाएगा, इसलिए ये मार्कर लगाना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ हम ऊपर की तरफ आएंगे। अब ऊपर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको SB2 बटन, डबल ब्रेस, सॉल कलर टक्सीडो, इसमें आपको बताया है कि इसको आप मेज़रमेंट कर लीजिए। और ये जितना है इसका आप हाफ कर लीजिए, एक बीच सेंटर लगा लीजिए। और यहाँ से 3/4 अंदर की तरफ एक मार्कर लगा लीजिए। तो ये एक तरीका तो मैंने बताया हुआ है। अगर दोस्तों अगर आपको ये स्केल से ही करना है, ये देखिए ये हमारा एल स्केल है, अगर आपको ये पूरा स्केल थ्योरी से करना है तो ये कैसे करना है। हालांकि जो मैंने बताया है वो स्केल थ्योरी ही बताया है, फिर भी ये मैं आपको स्केल से ही बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों देखिए इस तरह आपको रख लेना है इसमें। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 4th लिखा हुआ है, ये फर्स्ट जो है 16 लिखा हुआ, 16 उसके बाद 8 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ 4th 4 लिखा हुआ है, चौथा हिस्सा लिखा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों जितना हमारा चेस्ट है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है। जैसा कि हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का आधा आएगा 16 इंच। तो ये जो 16 इंच है यहाँ आपको इस तरह मार्कर लगा देना है। देखिए इस तरह से ये जो चौथा हिस्सा है, यहाँ देखिए 13, 14, 15, यहाँ 23 तक है। तो आपको यहाँ 16 इंच पे जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ रहेगा, उसका मार्कर लगा लेना है। अगर हमारा चेस्ट 40 इंच है तो हम यहाँ 20 पे लगाएंगे, अगर 44 इंच है तो 22 पे लगाएंगे। हमारा चेस्ट जो है 32 इंच है तो हम यहाँ 16 पे इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। यहाँ से 0.75 इंच 3/4 आपको अंदर की तरफ एक मार्कर लगा लेना है, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको इस तरह से ये मार्कर स्ट्रेट कर लेना है। ये जो हमारा अंदर वाला मार्कर है, 0.5 इंच जो हमने लगाया है 3/4, इसमें आपको इस तरह रख देना है। और ये जो हमने काजा से आधा इंच ऊपर मार्कर लगाया है, 0.5 इंच ऊपर, उसमें आपको इस मार्कर को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ हमको इस मार्कर को भी स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ हमारा 3/4 है, तो यहाँ नीचे भी 3/4 गैपिंग आना चाहिए। तो इस स्केल को आप देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक इक्वल एक बराबर जो है रहना चाहिए। और इस तरह आप यहाँ भी हम इस तरह मार्कर लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप 1.5 इंच नीचे मार्कर लगा लीजिए। अगर आपको स्केल से लगाना है तो आप किस तरह लगाएंगे, देखिए आप इसको इस तरह इस मार्किंग में रख दीजिए। और इस तरह रखने के बाद यहाँ देखिए इसका यहाँ 12वां हिस्सा लिखा हुआ है। तो चेस्ट हमारा 32 है, तो 32 का जो 16वां हिस्सा है, यहाँ 16 इंच है, तो 16 पे आपको 16 लिखा हुआ है, तो ये 16 पे आप इस तरह लगा लेंगे।
अब दोस्तों इसको जब हम मेजरमेंट करेंगे तो ये देखिए डेढ़ इंच में आधा पॉइंट कम है। इसका चेस्ट 32 है, नॉर्मल हम डेढ़ इंच लगाते हैं, चेस्ट अगर कम है 32 है तो इसमें हम आधा सूत से एक सूत कम ही लगाते हैं। तो ये इस मैं आपको मेजरमेंट टिप से तो बताता ही हूँ, ये मैं आपको स्केल रख के भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप स्केल थ्योरी बोलते हो लेकिन स्केल थ्योरी दिखाते नहीं हो। तो जो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं आपको स्केल थ्योरी ही दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट टिप से दिखाता हूँ। अब दोस्तों पूरा स्केल थ्योरी आपको मेजरमेंट टिप से वही दिखा सकता है जिसको खुद मेजरमेंट टिप के बारे में नॉलेज हो, मेजरमेंट टिप से पता हो। मुझे पता है इसलिए मैं आपको पूरा मेजरमेंट टिप से ही दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से आधा इंच ऊपर आप एक मार्का लगाएंगे और ये मार्का लगाना ज़रूरी है, ये जो मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ इसमें। अब दोस्तों कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक कोट एक ही तरीके से नहीं कटिंग होता है, तो मैं जो आपको ये तरीका दिखा रहा हूँ, जो फार्मूला बता रहा हूँ, इसमें आपको यहाँ से आधा इंच मार्का लगाना है ऊपर में और ये ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 3 इंच आप ऊपर से 3 इंच डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट है 32 इंच है, 32, तो 32 में हम 3 इंच में एक पॉइंट कम या फिर 3.25 इंच इसमें लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यही हमको अगर स्केल से लगाना हो तो स्केल आपको इस तरह रख लेना है। स्केल इस तरह रखने के बाद और यहाँ देखिए, यहाँ जो 6 लिखा हुआ है छठा हिस्सा, यहाँ 12 है, 12 के जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में 6 है, और यहाँ भी आपको चेस्ट का जो हाफ यहाँ लिखा हुआ है वो लगाना है, जैसे कि 13-14 मैंने बताया है आपको। तो हमारा ये जो है 32 है, तो 32 का 16 आएगा 16 इंच, तो ये 16 पे हम 16 पे इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों मैं आपको ये देखिए मेज़रमेंट करके दिखा देता हूँ, ये 3.25 इंच है, चेस्ट के हिसाब से हमारा मेजरमेंट टेप से भी 3.25 इंच ही आता और स्केल के हिसाब से भी उतना ही आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम ही मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका पूरा फार्मूला है मैं आपको मेजरमेंट टेप से ही दिखाता हूँ। अब देखिए आपको ये वाला जो मार्किंग है इसको इस तरह से क्रॉस कर लेना है, मतलब ये मार्का इसमें ला के मिला देना है इस तरह से, और ये मार्का मिलाने के बाद अब यहाँ आपको लेपल जितना ब्रॉड देंगे जितना चौड़ा देंगे उतना लगाना है। चेस्ट 32 है तो 32 में हम 2 इंच भी दे सकते हैं स्लिम नेपल है तो, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 इंच दे सकते हैं, 2.25 से ज़्यादा हम 32 में नहीं दे सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम 2.25 इंच पर ही मार्का लगाते हैं, ठीक है। ये 2.25 मार्का लगाने के बाद आपको शेप स्केल लेना है इस तरह से, और इस मार्का को आपको इसमें शेप कर देना है। देखिए इस तरह से आप इस मार्का में शेप कर देंगे, यहाँ पिक्का मार्का लगाते हैं, जितना हमारा सिलाई में दबाव जाएगा उतना आपको इस तरह लगा लीजिए। और दोस्तों 32 है, 32 में हम डेढ़ में 1 इंच कम या फिर 1.25 इंच पे पिक देंगे, तो चलिए 1.25 इंच का ही हम इसमें पिक्का मार्का लगाते हैं, 1.25 इंच पे, छोटा साइज है तो पिक भी हमारा कम ही होगा, तो 1.25 इंच पे हम इस तरह मार्का लगा दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ हम 2.25 इंच पे मार्का लगाएंगे, यहाँ आपको 2.25 इंच पे मार्का लगाना है। अब हमने आधा इंच यहाँ ऊपर उठाया है, ये देखिए मैं आपको रख कर दिखा रहा हूँ, आधा इंच हमारा यहाँ ऊपर उठा हुआ, तो आधा इंच हम इस तरह इसमें रख देंगे, तो ये टोटल हमारा 2.25 इंच डाउन हो रहा है। तो टोटल में आपको 2.25 से 2.5 इंच ये डाउन करना है, अगर 2.5 इंच डाउन करना है तब आप 2 इंच लगाएंगे। अब मैं दोस्तों 2.25 इंच ही टोटल में डाउन करता हूँ, तो मैं आपको 2.25 इंच ही दिखा रहा हूँ। इस मार्का को आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, ये मार्का स्ट्रेट करने के बाद, ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद देखिए ये हमारा बैक है, और इस बैक को हम ले लेंगे, और यहाँ जो हमने मार्का लगाया है आधा इंच ऊपर, इसमें हम बैक को इस तरह रख देंगे, और इसका जो पॉइंट है यहाँ हम इस मार्किंग में रख देंगे, और इससे 1/4 कम लगाएंगे, इससे 2 सूत 2 पुल्ली हम कम लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1/4 यानी 2 सूत जो है बैक में नम आएगा, बैक में धमक आएगा, बैक में 2 सूत का फुलनेस आएगा। तो इस तरह से हम इसको रख देंगे, और ये आपको शेप स्केल लेना है, बैक में हमने ये वाला शेप दिया था, फ्रंट में हम इस तरह ये वाला शेप देंगे, तो इस तरह आपको ये वाला शेप इस तरह लगा लेना है। ये शेप लगाने के बाद यहाँ आपको देखिए, यहाँ आपको इस तरह राउंड कर लेना है, यहाँ आप इसको इस तरह राउंड कर लीजिए, और ये राउंड करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला मार्का है यहाँ से 2.5 इंच पे आप मार्का लगा लीजिए, या फिर ऊपर वाला जो मार्का है यहाँ से 1 इंच पे मार्का लगा लीजिए, बात एक ही है। इस तरह मार्का लगाने के बाद आप देखिए, अगर आपको इस स्केल से लगाना है तो इस तरह आप स्केल से लगा के उसके बाद आप हाथ से आपको अच्छे से गुलाई करना होगा। तो इसके बारे में मैंने जो हमारा फर्स्ट कोट का वीडियो है SB2 बटन सिंगल ब्रश का, उस कोट में मैंने आपको करके दिखाया है, तो अगर उस तरह आपको देखना है स्केल से तो आप देख लीजिएगा।
और अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो आप इस स्केल से लगा लीजिएगा। जैसे कि देखिए इसको हम इस तरह इसमें रख देंगे और इस तरह इसको हम इसमें शेप कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम नीचे की तरफ आएंगे और ये जो हमारा स्ट्रेट मार्का है यहाँ से आपको डेढ़ से दो इंच ऊपर आपको हिप का मार्का लगाना है। तो यहाँ जो आपको मार्का लगाना है, देखिए अगर आप बिल्कुल स्लिम फिट, जिसको इटालियन फिटिंग बोलते हैं, टाइट फिटिंग कटिंग कर रहे हैं, किसी को अगर बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहिए तब यहाँ से आप 3.5 इंच में मार्का लगाएंगे। और अगर किसी को मीडियम फिटिंग चाहिए तब यहाँ से 4.25 पर लगाएंगे, और अगर किसी को लूज फिटिंग चाहिए तब आप यहाँ से 4 इंच 4.25 इंच और लास्ट हेवी स्टमक वाले को, हेवी पेट वाले को 4.5 इंच पे लगाएंगे। अब दोस्तों चलिए इसमें हम 4 इंच पे लगा रहे हैं, ये मीडियम फिटिंग, लूज फिटिंग भी बोल सकते हैं, मीडियम फिटिंग, मीडियम में लूज फिटिंग। तो इस तरह से आपको मार्का लगा लेना है। तो 4 इंच पे हमने ये मार्का लगा दिया, और ये मार्का लगाने के बाद अब देखिए हम बैक को मेज़रमेंट करेंगे। ये जो हमारा बैक है यहाँ हम इसको मेज़रमेंट कर लेंगे, ये कितना है, ये देखिए ये हमारा 6.25 इंच है। यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ 6.14। जब मैं मार्का लगाऊंगा तो आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। और दोस्तों यहाँ हम क्रॉस बैक मेज़रमेंट करेंगे बैक का। तो ये जो हम मेज़रमेंट करेंगे, ये हम लास्ट जहाँ हमारा पूरा मार्जिन है वहाँ से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो ये देखिए ये 7.25 इंच है, 7.34 इंच, 7.85 इंच। अब हम बैक को रख देंगे, जितना हमारा हिप है उसका हम हाफ करके इस मार्का में रख देंगे। हिप हमारा है 34 इंच, 34 का हम हाफ करेंगे तो 17 इंच, तो 17 इंच को हम इसमें रख देंगे, 17 इंच को इस तरह से। और ये जो हमने 6.25 इंच आपको लिख के दिखाया है मेज़रमेंट करके, ये 6.25 इंच पे आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद आप इसको मेज़रमेंट कर लेंगे, ये वाला जो हमारा स्ट्रेट मार्किंग है इसमें। अब ये 14.5 इंच है, तो ये जितना है उतना आपको यहाँ लगा लेना है, 14.5, ये देखिए। और यहाँ भी आपको 14.5 इंच लगा लेना है, ये ऊपर से नीचे तक आपको स्ट्रेट कर लेना है यहाँ तक। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टमक के बारे में बताता हूँ। हिप और पेट में जितना हमारा हिप है और जितना हमारा स्टमक है उसमें आपको गैपिंग देख लेना है, जितने इंच का फ़र्क है उसका 4 से डिवाइड कर लेना है, उसका 1/4 हिस्सा करके यहाँ मार्का लगा देना है। तो जैसा कि हमारा हिप है 34 इंच और हमारा पेट है 30 इंच, 4 इंच का गैप है, तो 4 इंच का 1/4 हिस्सा 1 इंच आएगा, तो ये 1 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको पूरा फॉलो करना होगा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह करना होगा। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा माइंड लगा देंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देंगे, अपने हिसाब लगा देंगे और अपने हिसाब से अगर आप यह करेंगे तो इसका फिटिंग जो है गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए आप खुद ही ज़िम्मेवार होंगे, मतलब उसमें मेरा कोई गलती नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गलत बताया है, तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको फॉलो करना है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, अब आप यहाँ आइए, यहाँ आपको 4.5 इंच लगाना है, इसका चेस्ट 32 है तो 4.5 इंच लगाना है, 4.5। अगर दोस्तों आर्मोल आपको बिल्कुल फ्री चाहिए तब आप यहाँ 4.25 लगाएंगे, नॉर्मल आपको 4.5 इंच लगाना है तो आपको यहाँ 4.5 इंच से कम नहीं और 4.25 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो हम यहाँ 4.5 में मार्का लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए जितना हमारा चेस्ट है उसको हम इसमें रख देंगे, चेस्ट हमारा है 32 इंच 16 इंच, तो 16 इंच हम इसमें रख देंगे। और यहाँ 7.25 इंच मैंने आपको लिख के दिखाया है, तो ये देखिए 7.25 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा दोनों मार्का है ना, इसको आपको मेज़रमेंट करना है कि ये कितना है। ये हमारा 2 इंच है, 2 इंच, तो यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्का लगा देना है। ये जो मार्का है ये हमारा कट हो जाएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो 2 इंच का गैपिंग है वो यहाँ हम निकाल देंगे, ये जितना गैपिंग आएगा उतना आपको यहाँ से निकाल देना है। इस ये जो कटिंग है इसका फार्मूला ही यही है। अब दोस्तों कोई भी कटिंग का एक तरीका तो होता नहीं है, चाहे वो पैंट हो या कोट हो, एक कोट एक ही तरीके से नहीं, कई तरीके से कटिंग होता है। तो ये मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ, अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है, अगर आप बोलते हो कि ठीक है आप एक दूसरा तरीका भी दिखाओ कटिंग करके, तो मैं आपको कोट का दूसरा तरीका भी कटिंग करके दिखा दूंगा। तो अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपको कोट का दूसरा तरीका भी दिखा दूंगा, क्योंकि कोई भी काम का एक तरीका नहीं होता है। तो आप देखिए आपको ये सेम स्केल लेना है और इस तरह से
ये जो हमने अंदर माइनस किया है ये वाला हमारा मार्किंग में आपको इस तरह से शेप कर देना है, इसको पलट लेना है, और ये पलटने के बाद ये वाला मार्किंग में हम इसको इस तरह से शेप कर देंगे। यहाँ आपको स्केल पलट के और यहाँ थोड़ा नोक इसका इस तरफ अंदर की तरफ मार देना है। अगर हम इस तरह करेंगे तो ये देखिए बाहर निकल जाएगा दो सूत, तो इस तरफ पलट के आपको लगा लेना है, इससे हमारा बिल्कुल सही आएगा। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने आधा इंच का पेट डॉट निकाला है, तो यहाँ से आधा इंच आपको मार्का लगा लेना है, इस तरह से मार्का लगा लेना है, और ये मार्का आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। ये जो हमने दो इंच का लगाया है आपको इस तरह से रखना है, और यहाँ जो हमारा पेट डॉट है इसमें आपको इस तरह से रख के और ये मार्का इस तरह से लगा लेना है। यहाँ आप इसको इस तरह पलट लीजिए, और पलटने के बाद आप इसमें ऊपर नीचे करके स्केल को रखेंगे तो ये जिस तरह बैठेगा स्केल उसी तरह आपको बैठा के ये मार्किंग लगा लेना है। ये देखिए लगा लेना है, यहाँ इस मार्किंग को इस तरह करके आप इसमें ये देखिए इस तरह से आप इसमें इस तरह शेप कर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बैक दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो हमारा कट है इस आपको सही से दिखे इसलिए मैं थोड़ा इधर घसका ले रहा हूँ कैमरे में सही से दिखने के लिए। ये देखिए ये हमने 7 इंच 7 इंच पे लगाया है, तो दोस्तों यहाँ जो मार्का है यहाँ से आपको 7 इंच पे ये लगा लेना है, जितना हमने ये लगाया है सेम उतना ही आपको यहाँ भी लगा लेना है। ये देखिए 7 इंच, और यहाँ से 2 इंच आपको यहाँ से चौड़ा देना है, और यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच देना है। इस मार्किंग को आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ भी इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए हमने 1 इंच का मार्जिंग दिया है, तो यहाँ भी हम 1 इंच का मार्जिंग देंगे इसमें, इस मार्का को भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं आपको रख के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ मार्का कंप्लीट कर लूँ। आपको ये स्केल लेना है, और ये जो हमारा मार्का है इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ इस तरह स्केल को रख देना है, यहाँ वाले मार्के पर रखना है, यहाँ वाले पे नहीं, यहाँ वाले पर रखना है इस तरह से। और ये जो 3/4 हमने मार्का लगाया है अब आपको ये मार्का इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से दोस्तों हमसे मार्जिंग देंगे, हमने बैक में 2 इंच का मार्जिंग दिया है 2 इंच का, तो इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिंग देंगे 2 इंच का। ये देखिए 2 इंच लगा के, और इस वाले मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे हम मार्का लगाएंगे, ये हमारा नीचे बॉटम राउंड होगा, तो आप यहाँ 1.5 से 1.25 इंच लगा सकते हैं। कम राउंड चाहिए तो 1.5 इंच लगाइए 1.5 इंच, और अगर मीडियम राउंड चाहिए तो आप 1.25 इंच लगा लीजिए, और ज़्यादा राउंड चाहिए तो 2 से 2.25 इंच भी लगा लीजिए। नॉर्मल आपको 1.5 से 1.25 इंच लगाना है। ये वाला मार्किंग और ये जो हमारा बटन का मार्किंग है यहाँ आपको इसमें ला के मिला देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ हम इसको राउंड कर देंगे जिस तरह हमारा बॉटम राउंड होता है। ये देखिए इस तरह से ये वाला ऊपर वाला मार्का हमको कट है, ये वाला हमारा मार्का नहीं, नीचे वाला मार्का हमारा फाइनल है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो स्टिच होगा ये इस तरह से इसमें रख के स्टिच होगा। ये देखिए यहाँ हम इस तरह बराबर रखेंगे, और यहाँ देखिए इस तरह रखेंगे। इस कटिंग की खूबी देखिए, यहाँ आपको एक सूत भी ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब आधा सूत तो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नॉर्मल 1 से 2 सूत ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको पूरा बराबर ही आएगा। तो इस तरह से रखेंगे, देखिए ये हमारा पूरा मार्का में आ रहा है। आप जब इसको रख के स्टिच करेंगे, जब कारीगर इसको रख के स्टिच करेगा ये तो पूरा मार्का में ही आएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, और दोस्तों इसके अलावा जो और बहुत सारे कटिंग हैं उसमें आपको यहाँ जो है दामन में यहाँ से 1/2 से 1.25 इंच आपको कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है, मतलब हमारा बैक जो है बड़ा हो जाएगा, ये फिक्स नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कटिंग है इस कटिंग को एल स्केल इटालियन फिटिंग कटिंग बोलते हैं, और पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये कटिंग जनवरी से पहले नहीं मिलेगा। 3 जनवरी को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, 3 जनवरी 2020 में, और ये जुलाई का महीना है, 6 महीने हो गए। तो आप अगर यूट्यूब पर जाकर जनवरी 2020 से पहले का जो भी वीडियो देख लीजिए आपको ये सेम कटिंग यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, अब 6 महीने के बाद अब अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरह का कटिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाए, सेम कटिंग मिल जाए। क्यों मिल जाएगा आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ मैं आपको लेंथ का मार्किंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा 1/2 इंच 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये 1/2 इंच हम ऊपर से मार्का लगा देते हैं। लेंथ हमारा 28.5 है, 28.5 है। ये देखिए
ये हमारा 28.5 इंच 28.5 पूरा करेक्ट आएगा। इस कटिंग की खूबी यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको पूरा एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज़ मार्किंग में ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मार्किंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ये कटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों हम 1/2 इंच 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। यह हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको साइड पीस कटिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ आप मार्जिन रख के कट करेंगे, जितना आपको मार्जिन रख के कट करना है, 1 इंच 1.5 इंच, 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने से भी ठीक नहीं होता है, चोट मारता है, अल्ट्रेशन आता है, मतलब आपको बैक में जो है अल्ट्रेशन टाइप का, नम टाइप का दिखने लगेगा। तो ज़्यादा मार्जिन भी मत दीजिएगा, लास्ट 1.5 इंच ही मार्जिन दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा देखिए, ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा साइड पीस है। तो ये हमारा बैक, फ्रंट और साइड पीस का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। इसका जो स्लिप का कटिंग है वो थर्ड पार्ट में है, तो इसका थर्ड पार्ट में मैं आपको स्लिप का कटिंग दिखाऊंगा।